नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आप में से जितने भी लोग कराने जा रहे हैं, कई सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं और मेल्स भी किए हुए हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप इतने सालों से वीडियोस बना रहे हैं। डेफिनेटली सबसे पहले यूट्यूब पर हम ही लोगों ने स्टार्ट किया था इस तरीके से वीडियोज़ बनाना, आज वही चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमारे चैनल के थ्रू वो स्टार्ट हुआ था, तो कई सारे बच्चे जो है ना, जो कि सिक्स्थ में थे, कई लोग मुझे मैसेज करते भैया मैं फिफ्थ में था, सिक्स्थ से आपको देख रहा, मतलब फिफ्थ सिक्स के बच्चे कैसे मुझे देख रहे हैं यार। मैं तब सोचा कि यार 6-7 साल पुराने से वीडियोज़ बना रहा हूँ यार, तो वो अब 12th में आ चुके, टीनेज जस्ट एंटर किए हैं और हेयर फॉल इश्यूज आ रहे हैं, तो वालायन के वीडियोस ढूंढ ढूंढ के मेरे ही वीडियोस पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि वालायन के प्रूफ के साथ वीडियोस सबसे पहले मैंने ही देना शुरू किया हुआ था, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह। खैर, बात ये हो जाती है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो है कितने दिनों तक हेयर ट्रांसप्लांटेशन को जो है कैरी कर सकते हैं, ये सवाल उठता है। दूसरा ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हमारे सर पे बाल दिखे किसी भी तरीके से, या ना असली लगे, नकली लगे, कुछ भी, पर एक लुक जो है वो मेंटेन हो, जैसे कि बाकी एक्टर जैसे सलमान खान क्या देखोगे, पहले शुरुआत की यंग एज में जो है ना पतले बाल थे, सामने गिरे हुए रहते, लेकिन अभी लास्ट यू नो लेटेस्ट में जो है बाल मोटे मोटे हो गए और बिल्कुल पलटा के रखते हैं, ठीक है ना। तो मेंटेन रखे हुए, क्योंकि जैसे आपकी एज होती जाएगी थिनिंग शुरू हो जाएगा, बाल पतले हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल एजिंग की प्रोसीजर है। अब इसमें सबसे बेहतरीन आंसर होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन की भी एक लिमिटेशन है, इसके ऊपर पूरी तरीके से आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लाइफ लॉन्ग अपने लुक को जो है कैरी कर सकते हैं, यू नो जो भी मार्केट में अभी अवेलेबल जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। बहुत समय बाद वीडियोस बना रहा हूँ, जिनको पता नहीं है बता देना चाहूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस मैं बता चुका हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन का वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम ही लोगों ने बनाना शुरू किया हुआ था और आज इतना बड़ा हमारा फैमिली हो चुका है। आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियोज़ डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक करना पड़ेगा और कमेंट जरूर छोड़ देना यार हमारे वीडियोस को, अगर आप देख रहे हो तो, अगर आपको बेनिफिट लगे तो कमेंट जरूर छोड़ देना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से आप किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हो, कितने टाइम तक ले सकते हो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप अपने 20s में हो, मीन्स 20 से 30 साल के बीच में हो, ठीक है ना, तो जो 20 से 25 साल का एज है ना, वो रेड जोन कहलाता है आपका। रेड जोन मतलब इस टाइम पीरियड में अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया और कैलकुलेटेड और सही तरीके से ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया गया, तो जो है आपको इसका खामियाजा आने वाले समय में, फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। वो कैसे, 20 से 25 साल की उम्र में आप डेस्परेट होते हो, बहुत हाई डेंसिटी में शाहरुख खान जैसे बालों की तरीके से, ठीक है ना, हेयरलाइन और नीचे आ जाए और शानदार हो जाए, ये सारे डेस्परेशन चलते हैं ये यंग एज के अंदर, गर्लफ्रेंड्स, जॉब्स, ये लुक मेंटेन हो जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छे कोई क्लिनिक आपको पकड़ लेगा, बोले बहुत अच्छे डेंसिटी दे देंगे, ये कर देंगे, जहाँ पे लगने हैं 2000 यूनिफॉर्म डेंसिटी में 2000-2500 में काम हो जाएगा, वहाँ पे 3,500-4,000 आपको लगा दिए जाएंगे और फ्यूचर में वो डोनर आपका यूज़ नहीं होगा। अब जितना क्लोज टू 20s के बीच में ना ट्रांसप्लांट कराओगे, क्लोज टू 20s मीन्स 21-22, ये और डार्क रेड जोन के लाएगा, 25 के आसपास थोड़ा सा लाइट होता जाएगा आपका रेड जोन, ठीक है। तो ये 20 से 25 के बीच में आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो और नीचे भी करा रहे हैं कई से लोग, 18-19 के बीच लोग भी करवा दे रहे हैं और क्लिनिक वाले कर भी ले रहे हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल रेड जोन तो छोड़ो, ये सायरन बज रहा है पूरी तरीके से, आप ये मान के चलो, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है ना। अब 25 से 30 के अंदर हो आप, तो ठीक है ना, 25 से 30 के बीच में ही मैंने जो है अपना फर्स्ट सेशन लिया हुआ था, ये बहुत ही हद तक सेफ टाइम पीरियड होता है, मींस इस टाइम पर आपका बॉल्ड एरिया कितना होना है वो निर्धारित हो चुका होता है, मींस आपका कितना गंजापन होना है, डोनर एरिया स्टेबल रहता है कि कितना, इतना ही आपका डोनर एरिया है, हमें पता रहता है कि इतने ही डोनर से जो है बाल निकलेंगे, उसके बाद जो है हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। तो 25 से 30 बहुत अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा, इसमें भी रेड जोन थोड़ा सा रहता है, क्योंकि यंग एज रहता है, कई लोगों का जो है DHT का प्रभाव हाई अभी भी रहता है, ठीक है ना। तो फिर भी, लेकिन कैलकुलेट तरीके से इस टाइम पे भी करोगे तो 15-20 साल आपका चल सकता है इजीली, मींस जो 20-25 के बीच में अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, इन द कमिंग फ्यूचर आपको एक और ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेना पड़े, हो सकता है कि 90% केसेस में लेना ही पड़ेगा, 90-95% केसेस में। 25 से 30 के बीच में करा रहे हो तो भी आपको लेना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में आपका वो यू नो बहुत, क्योंकि आपकी यंग एज मान के चलो 50 साल मान लेते हैं, तो आपके पास कितना है, 20 वाला अगर कोई करा रहा है 20 साल की उम्र में, तो उसके पास 50 साल, 30 साल है उसके पास, 30 साल गुजारना है इन बालों के साथ, तो इतनी बड़ी टाइम पीरियड में थिनिंग हो जाएगी बालों में ट्रांसप्लांटेड, और जो एग्जिस्टिंग हेयर से वो भी थिन होंगे, मीन्स आपको उस लुक को मेंटेन करने के लिए ट्रांसप्लांट इन द कमिंग फ्यूचर आपको लेना पड़ेगा। 25 से 30 में हो तो 25 साल के आसपास जो है आपको
यू नो गुजारने हैं, तो मीन्स टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है ना। और आज के समय में तो 50 साल के बंदे भी जो अपने आप को मेंटेन करते हैं, 60 साल के 65 साल के भी बंदे जो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो आजकल वो एज फैक्टर नहीं है। 60 साल के बंदे भी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए, 55-60 साल के भी बंदे होते हैं, ठीक है ना। अब आप जितने के देखते हो, जितना मेंटेन करते हो आप उतने के हो। आज वो अंकल वाला ज़माना नहीं रह गया है ना, ठीक है ना। सब लोग अपने आप को मेंटेन कर, सब लोग कोई भी अपनी वो जवानी को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना, तो वो उस चीज़ को मेंटेन करना चाहते। तो आज का समय यही है, और हम जब उस एज की तरफ पहुँचेंगे मे बी हम और भी ज़्यादा डेस्परेट हों, और भी ज़्यादा यू नो उस चीज़ को लुक को मेंटेन करने के लिए पहुँचे। खैर बात ये हो जाती है, 25-30 साल के लिए थोड़ा सा रेड जोन रहता है, लेकिन 30 के ऊपर के जो बंदे होते हैं ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही सेफ जोन है, बहुत ही बढ़िया। आपका कंसिडरिंग आप बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट हो, ये कंसिडर करके, ठीक है ना। वो अलग चीज़ें हैं कैसे आप कैंडिडेट नहीं हो, वो अलग एक सुपर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, आप 30 के ऊपर के हो तो बहुत लंबा चपका हेयर ट्रांसप्लांट चल सकता है, क्योंकि डोनर जबरदस्त स्टेबल हो चुका होगा। इसमें जिसके ग्रेड छोटा है, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड तक है, उनका तो मतलब पाँचों उंगली घी में है। मीन्स 50 के ऊपर भी ट्रांसप्लांट चल जाएगा, थोड़ा बहुत टॉपअप अगर लगेगा तो भी उनके डोनर में बाल बचेगा। कंसिडरिंग बहुत अच्छे क्लिनिक से करा रहे हैं तभी हो पाएगा, जहाँ पे डोनर का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए वही की बात कर रहा हूँ। अगर आप गलत क्लिनिक से करा लोगे और डोनर आपका यूटिलाइज करके ख़राब कर दिया जाए तो वो तो खर्च हो गया ना, फिर वो वापस नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अच्छे क्लिनिक से अगर करवा रहे हो तो 30 के ऊपर के बहुत, और 35 के ऊपर 40, ये सारे जो है ना ये सारे बेहतरीन है ट्रांसप्लांट कैंडिडेट। अगर आप हो तो बहुत अच्छे, मतलब आपका लंबा चलेगा, बहुत लंबा। अब इनमें से कुछ बंदे होते हैं हमारे जैसे, हमारे मतलब मेरे जैसे, जिनका जो है ग्रेड करीब 7th ग्रेड के आसपास का होगा, और 7th ग्रेड मतलब होता है कि और हेड साइज बड़ा होगा, जैसे जिसमें जो है क्राउन आपका वो डेंस नहीं हो पाएगा, पैची रह जाएगा, जैसा कि मेरा है, पाउडर मार के ये सब करके आपको चलाना पड़ सकता है। तो इन सब लोगों के लिए क्या होगा, और इन द कमिंग फ्यूचर जब आप 7th ग्रेड के जो भी बंदे हो, आप कोई भी टेक्निक से कर लो, आप जब 7th ग्रेड पर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो, आप अपने अनसेफ जोन को जो है बहुत अच्छी तरीके से टेम्पर करते हो। मीन्स आपका अनसेफ जोन जहाँ पे जो है मिनीचुअर्ड हेयर्स हैं वो सारे जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से टेम्पर किए जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, जिनकी लाइफ बहुत हाई नहीं होती, मीन्स वो ऑलरेडी मिनीचुअर्ड हो चुके हैं, थोड़ी ही कुछ सालों में वो मिनीचुअर्ड होकर पतले हो जाएंगे और डेंसिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बंदे जो है ना हमारे जैसे, ठीक है, हो सकता है DHT ब्लॉकर्स वगैरह लेके थोड़े और 5-7 साल आप खींच सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही है, ये तो भाई विधि का विधान है। ऐसा मान लो हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, ठीक है ना, और एग्जिस्टिंग हेयर्स जो आपके ज़माने के टाइम पे थे, जो कि डेंसिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहे थे, वो भी पतले में शायद हो रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है आने वाले समय में जब हम 40s, 45s, 50s की तरफ बढ़ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो कि 7th ग्रेड के बंदे हैं, बड़े ग्रेड के बंदे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, सुनिए। अब कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हेयर पैच को आप बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हो, हेयर पैच के खिलाफ बोलते हो। शुरुआत के वीडियोस में भी मैंने हेयर पैच के ऊपर बहुत सी चीज़ें बोली, देखो जो सच्चाई है वो मैंने बताया। यंग एज में हेयर पैच यूज़ कर लोगे, आपका डोनर है, आपका ग्रेड छोटा है, तो आप कर क्या रहे हो, एग्जिस्टिंग हेयर्स को डैमेज कर रहे हो, डोनर ये को ख़राब कर रहे हो। इन द कमिंग फ्यूचर लॉन्ग रन में जब आप हेयर पैच को यूज़ करते हो 40-45 तक, तो आपका तब तक आपका डोनर ख़त्म हो चुका होता है, फिर ना आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रह जाते हो ना कुछ, आप हेयर पैच के ही रह जाते हो। जबकि आप अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुरुआत में करवा लिए होते तो आपके आने वाले 10-15 साल ईजिली निकल जाते, बहुत ईजिली, अच्छी तरीके से, एक नेचुरल तरीके से। उसके बाद आप हेयर पैच के लिए जा सकते थे। वही चीज अब आ जाता है जो कि कई सारे एक्टर्स करते हैं, क्या करते हैं, वो फ्रंटल पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, सुंदर हेयर लाइन, बढ़िया ये साइड ब्लॉक्स, बढ़िया टेम्पोरल एरिया अच्छी तरीके से बनाते हैं किसी क्लिनिक से, बहुत अच्छी से हाई डेंसिटी, और पीछे के एरिया में बढ़िया तरीके से पैच यूज़ करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रणबीर कपूर। आप इनका देखेंगे फ्रंटल पार्ट से हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जो कि बिल्कुल समझ में आ जाता है, अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ, डिसेंट हुआ, लेकिन पीछे का पूरा जो है वो हेयर पैच है, वो हेयर पैच पहनते हैं और उस जगह को इतना अच्छा डेंस करके वो रखे हुए हैं। द सेम गोज फॉर ऋतिक रोशन, आपने बीच में देखा होगा ऋतिक रोशन के जो है क्राउन में पे यू नो बाल झड़ गए थे, तो इसके लिए जो है ना कई सारे लोगों ने वीडियोस बना दिए कि भाई ये जो है उनको कुछ सर्जरी हुई थी, ये हुई थी, वो हुई थी, जिसके कारण जो है उनके क्राउन एरिया से बाल झड़ गए थे। ये हो सकता है सच्चाई हो सकता है ना हो, भाई इनकी जेनेटिकली इनका प्रॉब्लम है बॉल्डनेस का, हमको ही पता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ऋतिक ने फ्रंटल पार्ट में अपना टॉपअप कराया हुआ है, ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तीसरी चीज़ ये हो जाती है, आज के समय में इतने ज़बरदस्त के हेयर पैच आ रहे हैं, इतने ज़बरदस्त हेयर पैच, यू नो अगर आप पैसा है आपके पास खर्च कर सकते हो तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो हेयर पैच पहने हुए हैं, खर्चा करना पड़ेगा। तो ऋतिक का भी सेम ही है, फ्रंटल पार्ट में अच्छे घने बाल हैं उनके, लेकिन क्राउन एरिया में वो पैच पहन लें, अगर पहन के आए हों तो आप पता नहीं कर सकते हो। यू नो मार्केट में न्यूज़ आती हैं कि उनका सर्जरी वगैरह हुआ था। देखो यार हर एक्टर का जो है ना PR टीम
होता है कि भाई कोई भी नेगेटिव न्यूज़ उनका सोशल मीडिया में चल रहा हो तो उसको काउंटर करने के लिए एक पैरेलल में पॉजिटिव न्यूज़ चलाया जाए। तो इस तरीके से दोनों तरफ की बातें होती हैं तो पब्लिक का ध्यान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पब्लिक का भी ओपिनियन बढ़ जाता है। एक तरफा बातें होंगी तो पब्लिक एक ही तरफ चली जाएगी। ये चीज़ पॉलिटिक्स में भी होता है, आज पीआर में भी पूरे एक्टर्स भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है आज के समय में। एक पीआर पूरी एजेंसी मतलब अपने आप को पीआर टीम रखते हैं हर एक्टर्स, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए पीआर टीम चलाई जाती है। तो ये सर्जरी मर्जरी मुझे तो पर्सनली नहीं लगता, भाई उनका क्राउन पैच ही हो गया था, बाल झड़े थे, कोई भी रीज़न हो, ठीक है ना, वहाँ पे मे बी वो पैच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो कि फ्रंटल पार्ट में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और पीछे पूरा हेयर पैच है। मनोज वाजपेयी को अगर आप देखोगे तो इनका भी कुछ हद तक ऐसा ही है, फ्रंटल पार्ट में अच्छा डेंस ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, पीछे हेयर पैच लगाते होंगे जिससे बिल्कुल हेयर पैच एक ही जगह से पकड़ा जा सकता है जहाँ से जो है फ्रंटल हेयर लाइन से, पीछे का लगाया हो तो पकड़ा नहीं जा सकता जब तक बहुत बारीक नज़र आपकी ना हो। पर ये लोग बहुत ये जो साठ एक एक लाख के हेयर पैच हफ्ते में चेंज कर सकते हैं, ये इतने ही ज़्यादा कर सकते हैं, इतने ज़्यादा एफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम भी कर सकते हैं आज के समय हमारे बजट में, मैं बात कर रहा हूँ जब ट्रांसप्लांटेशन आपका थिन हो जाए, आप 40s में हो या 50s में पहुंच चुके हो, उस टाइम पर फ्रंटल पार्ट में जो थोड़े बहुत डोनर बचे उससे अच्छा है डेंस करवा लो, उसके बाद जो बाकी का एरिया है वहाँ पे हेयर पैच की तरफ आप जा सकते हो। एक और उपाय है इस टाइप में जब आप वो लुक मेंटेन करने का कि आप मेरे जैसे हो जहाँ पे जो यूनिफॉर्म डेंसिटी में ट्रांसप्लांट किया गया है, आप इसमें बालों को बिल्कुल छोटा कर लो और स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करवा लो ज़बरदस्त तरीके से इसमें। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक्स फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक बढ़िया पर्सनालिटी की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आप छोटे बालों को लेकर आप कैरी कर सकते हो, या ना ये गंजेपन से एक स्टेप ऊपर रहोगे कि नहीं बाल तो छोट भाई गंजा नहीं हूँ पर बाल छोटे ही रखता हूँ, टकला ही रहता हूँ, ये लोग मेंटेन कर सकते हो। इसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, चार लोगों में अपने आप को एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी की जरूरत है। बाकी चीज़ें ट्रांसप्लांट करवाया वो आप बहुत ईजिली कैरी कर लोगे लोगों के बीच में, हेयर उसके ट्रांसप्लांट आगे करवा लिया, पीछे पैच पहन लिया, इसको बहुत ईजिली कैरी कर पाओगे क्योंकि कई सारे लोग नॉर्मल पैच पहन के कैरी कर रहे हैं तो फिर सामने से अगर नहीं पता चल रहा तो आप नॉर्मली कैरी कर सकते हो। सबकी लिमिटेशंस हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो है एक किस तरीके से लाइफ लॉन्ग जो है एक बालों वाला लुक लेके चलना चाहते हो, ये मानकर जो है मैंने ये सारी चीज़ें बताई, इस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। आप अपने 20s में हो, पैसा नहीं है बिल्कुल घर में, आप कर्जा लेके लोन लेके कहीं से भी जो है ट्रांसप्लांट करा रहे हो, मूर्खता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है भाई, लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है ना। आप ये सब सोच के चलो, हाँ आपके पास ये प्लानिंग है कि अभी करा लेता हूँ, मेरे 8-10 साल बाद मेरा एक टाइम पीरियड है उसमें तो करियर सेट हो जाएगा, आप अभी करा लो, ठीक है ना। 8-10 साल बाद आपको एक दूसरे प्लान पर चलना पड़ेगा, थोड़ी थिनिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, 10-15 साल बाद जो जिसका बहुत अच्छा मोटे मोटे बाल है उनका 15-20 साल भी चल सकता है इजीली। लेकिन ये मान के चलो कि ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ आज नहीं तो कल आपका होना है, कितना भी बेहतरीन आपका क्यों ना हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद अपनी 7 साल के आसपास मेरे को ट्रांसप्लांट हो गया, मेरे को माइनर सी थिनिंग महसूस होने लगी अपने बालों में भी। दूसरी चीज़, मैंने DHT ब्लॉकर्स नहीं लिया, DHT ब्लॉकर्स लेके हो सकता है 2-3 साल और खींच लूँगा, लेकिन ये थिनिंग 2-3 साल खींच लूँगा, लेकिन मैंने नहीं लिया है, कई अपनी अपनी मर्ज़ी है, तो मे बी आगे लूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, हेयर पैच का और माइक्रो पिगमेंटेशन का, जिस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर चल सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट ज़रूर करो यार भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, बाय बाय।